नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में शनिवार को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया है। सांगूस लारनू के जंगल में शनिवार सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर हुआ। यहां 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर थी। पिछले 36 घंटे में जम्मू कश्मीर में यह 3रा एनकाउंटर है। श्रीनगर के खन्यार और बांदीपोरा के पन्नेर में भी मुठभेड़ जारी है। श्रीनगर के खन्यार में सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को चारों तरफ से घेर लिया। जिस मकान में आतंकी छिपे हुए थे उसमें बम ब्लास्ट कर दिया था। इसके बाद घर में आग लग गई। पूरा इलाका भीषण धुएं की चपेट में है। सेना के कई जवान घायल बताए जा रहे हैं, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। बता दें कि अक्टूबर में जम्मू कश्मीर में 5 हमले हुए हैं। 28 अक्टूबर को आतंकियों ने LOC के पास आर्मी एम्बुलेंस पर फायरिंग कर दी। इसमें 3 आतंकी मारे गए। इससे पहले 24 अक्टूबर को बारामूला में सेना की गाड़ियों पर हमला हुआ। 24 अक्टूबर को भी दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के बटगुंड में आतंकियों ने मजदूरों पर गोलियां चलाई। 20 अक्टूबर को भी गांधरबल के सोनमर्ग में दोस्तों 7 लोगों की जान चली गई थी। 16 अक्टूबर को सोपिया में आतंकियों ने एक युवक की हत्या कर दी थी, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार आतंकी हमला हो रहा है, जिसके बाद पूरे राज्य में हड़कंप मच गया है। फिलहाल दोस्तों अधिकारी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। फिलहाल पूरा इलाका सील कर दिया है। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात है। इसके अलावा अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है। अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जम्मू कश्मीर से। अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें। किसी भी दोस्तों संदिग्ध सामान या संदिग्ध व्यक्ति को देखें तो तुरंत ही पुलिस विभाग को सूचना दें। अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें।